पूर्व विधायक आदरणीय राम प्रकाश दुबे जी, मंच में बैठे हमारे बड़े भाई गार्जियन भारतीय शक्ति के रूप में विराजमान झारखंड से संगीता तिवारी जी, महाराष्ट्र से सुषमा चतुर्वेदी जी, पवन पांडे जी, इस कार्यक्रम के आयोजक हम सबसे बड़े क्या ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया और आपके साथ आपके कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हमारे छोटे भाई सोशल मीडिया के माध्यम सेना के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजन मिश्रा जी और एक कुशल संचालक जो इस मंच को बड़े ही आदरणीय राजेश मिश्रा को प्रधान दिलवा भारतीय जनता पार्टी के नेता है और हमारे छोटे भाई उस संचालक को हमको लगता है कहना शायद गलत होना सही हो लेकिन इतना अच्छा संचालक कोई कर ही नहीं पाता हम घने देखने में लगता है। समाज की बात आती है एक सूत्र में बंधकर एक साथ होकर अपने समाज की चिंता करने की बात मन में आती है उठनी भी चाहिए। जो ब्रह्म को चाहने वाला ब्राह्मण समाज हमारा है वो हमेशा दाता के रूप में समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम किया के दाता के रूप में नाते आप मान लीजिए। जब इस समाज में अनाचार को आगे आना पड़ा कि नहीं नहीं यह समाज हमारे बीच में हम लोग के बड़े भाई परम आदरणीय रखा है अपने समाज के जो भी पिछड़े लोग हैं जिनको सच में शोषित कहा जाता है, शोषित बिरादरी से नहीं होता। किसी भी समाज का अगर बहुत ही गरीब है, सताया हुआ है, परेशान है, उसके सहयोग के लिए ये हम लोगों का जो ब्राह्मण एकता मंच है, गरीबों की लड़कियों की शादी जो शादी नहीं कर पा रहे हैं, जिनके बच्चे पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनका इलाज पैसे के अभाव में नहीं हो पा रहा है, उनके उत्थान के लिए, उनके सहयोग के लिए ये हम लोगों का ब्राह्मण एकता मंच आगे आया है। और आज जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो भी और ब्राह्मणों की कई तमाम पार्टियां बनी हुई हैं, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने लोगों को बुलाया है और लोग आए भी हैं। हम सारे लोग एक होकर के ब्राह्मण समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आज इकट्ठा हुए हैं और ये कार्यक्रम। तो ये आप आगे तक भी हम लोग तो क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम यूपी की बात करते हैं, लेकिन हमारा ये जो ब्राह्मण एकता मंच है झारखंड में भी है, बिहार में भी है, हरियाणा में भी है, जयपुर में भी है, महाराष्ट्र में भी है और अदर स्टेट में हम लोग बढ़ रहे हैं। किस तरह से ब्राह्मणों की मदद की जाती है? ब्राह्मणों की मदद हम लोग आर्थिक रूप से, जैसे अभी देखिए तत्काल में यहाँ पर भदोही में रामजी मिश्रा के साथ जो घटना हुई है उसमें हम लोगों के ब्राह्मण समाज से ही एक लड़का विवेक पांडे खड़ा हुआ अपने यूथ को साथ में लेकर के और जो भी मदद बन सके सहयोग आपस में सहयोग लेकर के सहयोग किया गया। तो इस तरीके की जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं होंगी उसमें हम लोगों का ये जो ब्राह्मण एकता मंच है वो यूनाइट होकर के जाएगा और मदद करेगा। एक उसके लिए सड़क पर भी संघर्ष करना पड़ेगा तो सड़क पर भी करेगा। एक धारणा ब्राह्मणों के लिए धारणा बिल्कुल ठीक है, ये समाज में आज के डेट में कोई भी बिरादरी, लोग कहते हैं फला बिरादरी एक है लेकिन कहीं भी एक नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे ब्राह्मण को एक मंच पर लाया जाए, अब इसमें हम लोग कितना सफल होंगे भगवान जाने, लेकिन कोशिश हम लोगों की वही है। एक सवाल है जो खटक रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस के ज्यादा लोग हैं, बीजेपी का कोई नहीं है, तो क्या बीजेपी के राम प्रकाश दुबे जी भी हैं, बीजेपी के उमेश दत्त पाठक जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के संजय मिश्रा जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यभार देखे हैं, आज भी जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी हैं। यहाँ पार्टी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बहुजन हो, अभी वो बहुजन समाज पार्टी के वो आए हुए हैं, क्या नाम होता है, राम बिहारी चौबे के लड़के अमरनाथ चौबे, तो सारे पार्टियों के लोग हैं। यहाँ पार्टी से कोई मतलब भी नहीं है, यहाँ सिर्फ ब्राह्मण समाज की बात है।
आगे चलकर ये मंच कहीं राजनीतिक कोई सिस्टम में आएगा? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी इरादा हम लोगों का नहीं, केवल समाज सेवा का इरादा लेके हम लोग चले हैं, अब आगे क्या होगा भगवान जाने। ब्राह्मणों को एक करने के लिए ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बराबर देखने को मिलता है, तो ब्राह्मणों को एक करने के लिए क्या कोई जागरूकता अभियान या इस तरह का कुछ कैंपेन? हम लोग अभी प्रदेश की आज कमेटी की घोषणा होगी, उसके बाद फिर हम लोग जिले का गठन करेंगे, जिले में जिला अध्यक्ष बनाएंगे, वहाँ कमेटी का गठन होगा और हर गांव से हम लोग एक दो कार्यकर्ता चार कार्यकर्ता लेंगे। वो कार्यकर्ता गांव में अपने जो भी गरीब होंगे, जो सताए जा रहे होंगे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही होगी, वो हम लोगों के पास आएंगे, हम लोग उनका बाकायदा स्क्रीनिंग कराएंगे, अगर सच्चाई होगी तो उनका ब्राह्मण एकता मंच पूरा सहयोग करेगा। मंच में अभी कितने कार्यकर्ता या मेंबर हैं? अभी तो मंच में हमारे प्रदेश का गठन हुआ है और प्रदेश की कमेटी की आज घोषणा होगी, इसके एक महीने डेढ़ महीने के अंदर में हम लोग पूरे प्रदेश के हर जिलों का गठन करेंगे। मैं पवन पांडे, ब्राह्मण एकता मंच के प्रदेश के महासचिव, और आज हम लोगों का यह जो है एक बैठक हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, यह इसका यह उद्देश्य है कि ब्राह्मण समाज अपने आप में एक स्वाभिमानी समाज है, सम्मानित समाज है, सर्व समाज में एक बुद्धिजीवी समाज है, और हमारे समाज के साथ शासन से, प्रशासन से, या वो सत्ता में बैठे हुए या सरकार से कहीं भी अगर अनदेखा किया जाएगा तो इसके लिए हम अपने मान सम्मान के लिए ब्राह्मण एकता मंच एकजुट होकर सड़क से लेकर संसद तक अपनी संघर्ष करके अपने समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हूँ। प्रदेश अध्यक्ष विवेक पांडे हूँ। आज हम लोग RS कॉन्वेंट स्कूल में ब्राह्मण एकता मंच के सब लोग, सभी संगठन एकत्रित हुए हैं। यहाँ ब्राह्मणों के उत्थान और ब्राह्मण की प्रगति के बारे में हम लोग विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और ख़ासकर इसी में हम लोग भदोही के जिला भदोही थाना गोपीगंज के अंतर्गत स्वर्गीय राम जी मिश्रा, जिनकी पुलिस लॉकअप में मृत्यु हो गई है, उसके लिए भी एकत्रित हुए हैं। खासकर मैं मीडिया बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि वहाँ के दरोगा सुनील वर्मा जी जो निलंबित हैं इस समय, उनके ऊपर धारा 302 लगी हुई है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, 10 दिन हो गई, और मीडिया बंधु थोड़ा सा इसको संज्ञान में लें तो उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि आम आदमी के ऊपर छोटी सी भी धारा लगती है तो ये पुलिस वाले उठा के बंद कर देते हैं, और एक 302 का मुजरिम खुलेआम घूम रहा है, उसके जांच को भी प्रभावित और जांच को प्रभावित कर रहा है। माननीय कल SSP का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे बैठा है, घर में खाने को रोटी नहीं। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि एक गरीब ब्राह्मण की आप लोग जरूर मदद करें, उस ब्राह्मण की मदद आप लोग करेंगे तो इंसाफ मिल जाएगा, नहीं तो सुनील वर्मा जैसे हत्यारे ऐसे खुलेआम घूमते रहेंगे, किसी और ब्राह्मण को मारेंगे। बस मैं आप लोगों से इतनी बात रखना चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत किस तरह का आज मंच में ब्राह्मण महासभा मंच पे किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह के चर्चे हो रहे हैं, और क्या आप लोग आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए? देखिए, आज ब्राह्मण समाज सब बनारस क्षेत्र का एक हुआ है, एकत्रित हुआ है यहाँ पे, और हम लोग विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे की राय ले रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है आज की तारीख में, ब्राह्मण समाज में एकता कैसे पैदा हो, और आगे चल के हम लोग अपने समाज के लिए क्या क्या काम करना चाहते हैं और क्या क्या काम करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। उस पर भी चर्चा हुई है, और चर्चा वास्तव में इस बात पर हो रही है कि सिर्फ एक घटना को नहीं, बल्कि लगातार प्रदेश में और देश में समाज के साथ जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, उसके लिए कम से कम समाज को एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। अगर और कोई हम लोगों की गुहार नहीं सुन रहा है, कम से कम समाज में एकजुट होकर अपने समाज के हित के काम करना चाहिए। उनको कैसे एकत्रित करेंगे? उसी पे चर्चा हो रही है, उसी पे हम लोग पहला तो समाज के काम के लिए एक हो, फिर उसके बाद
जो भी राजनीति के क्षेत्र में जिस दिशा में समाज जाना चाहेगा, जिस दिशा में हम लोग समाज को ले जाना चाहेंगे, उस पर चर्चा तब होगी। पहले हम लोग सोच रहे हैं कि अपने समाज का ही काम करें। देखिए, देश की राजनीति में निश्चित रूप से वोट बैंक की राजनीति जब से उत्तर प्रदेश में विशेष करके फैली है, तब से हम लोग देख रहे हैं कि कोई एक समाज नहीं बल्कि पूरा प्रदेश पिछड़ते जा रहा है। और वोट बैंक की राजनीति के विरोध में व्यक्तिगत रूप से मैं हूँ, और ब्राह्मण समाज को भी उस वोट बैंक की राजनीति से दूरी रहना चाहिए।